अदर सॉन्ग। आज हम बैकवर्ड बेंडिंग पोज करेंगे, भुजंगासन, सर्वासन और त्रिवासन। जरूरी नहीं है कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, कई लोग फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा अच्छा करते हैं, कई बैकवर्ड बेंडिंग अच्छा करते हैं, और आप थोड़ा भी करें उससे आपको वही फायदे मिलेंगे। और स्थिर सुखम आसन की फिलोसफी के तहत करना है, इजीली करना है, आसानी से करना है। तो पहले भुजंग आसन, जिसमें माथा जमीन में लगे, नाक लगे और ठोड़ी लगे, तो हम सर्वाइकल को यूज में लाएंगे। माथा जमीन से लगाया, नाक लगाया, ठोड़ी लगाया, रेस कलाई पकड़ ली, कंधे ऊपर, एल्बो उठा लिए, ध्यान सांस पर, धीरे से थोड़ी लगाई, एल्बो ड्रॉप किए, नाक लगाया, माथा लगाया, सर एक तरफ लगाया। ये आपका भुजंगासन हुआ, जिससे हमने सर्वाइकल में मणकों में काम किया। अब हम लंबर के मणकों में काम करेंगे, मेरुदंड के इस हिस्से में। ये अगर हम एक पांव से करते हैं तो भी वही फायदे हैं, दो पांव से करते हैं तो भी फायदे हैं। आप हाथ यहां भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत ऊपर ले जाए, इतना भी ले जाएंगे तो भी आपको फायदे होंगे। ध्यान सांस पर रखिए, सांस के लिए तो रेस्ट के लिए दूसरा पांव ले लीजिए। रिलैक्स करिए, जब आप अभ्यस्त हो जाए, आपकी सांस नॉर्मल हो जाए, उसे दोनों पांव उठा लीजिए, जबरदस्ती मत करिए, इतना आसानी से हो सके उतना करिए। आप धनुरासन में ऐसे एक पांव पकड़ लीजिए, उसका पांव ऐसे पकड़ लीजिए, माथा जमीन से लगाइए, इसे उठाइए, फिर आगे उठा लीजिए, ध्यान सांस पर, रिलैक्स करिए। इन बैकवर्ड बेंड आसनों से यहाँ सर्वाइकल से लेकर के लंबर के मणके सारे काम में लाए जाते हैं, जिससे बैक पेन, बैक से संबंधित चीजें ठीक होती हैं, और उनसे संबंधित अवयव जैसे हम पेट हुआ, लंग्स हुआ, लिवर्स हुआ, ये नसें वहां से यहाँ भी आती हैं, और यही बैक सिग्नल ब्रेन को भी देती है। ये सारे ही करेक्ट होते हैं, रेक्टिफाई होते हैं। धन्यवाद।